दोस्तों हमारे चैनल डिलीशियस प्लैनेट में आप सबको खुश आमदीद। आइए दोस्तों लीक प्रूफ वाटर टैंक फिटिंग का पार्ट 5 देखते हैं, जिसे आसिम अंसारी पेश कर रहे हैं। तो आपने किस आसानी से ये लाइन ज्वाइंट हो गई है। ताकि निप्पल एफटी बोलवाल यूनियन मारना जरूरी है। कभी तो कुछ ताकि में प्रॉब्लम होती है, धोना है इसको, खोल के ताकि नीचे उतार सकते हैं, ये इसलिए जरूरी है मारना। तो इसको लगा देने का, हम इनलेट के पॉइंट को उसमें डालेंगे पानी भरने के लिए। तो यहाँ पे ये बीम आ रही है, यहाँ पे अपने को ऐसा टर्न लेना है, इससे चपक के आए, फिटिंग अच्छी लगे। ताकि अंदर कभी भी ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं डालने का, 3 इंच का बहुत है। ज्यादा बड़ा टुकड़ा डालेंगे तो टाकी का पानी जो भर जाता है कभी कभी इसके अंदर से निकल के टाकी खाली हो जाती है, कम हो जाती है, हमेशा 3 इंच का डालने का। हम ऐसे माप लेंगे, पाइप के ये किनारे से भी माप लेंगे तो फिटिंग बराबर आएगी, ऐसा बैंड लगाने की जरूरत नहीं है।
इससे आगे का प्रोसेस हम लीक प्रूफ वाटर टैंक फिटिंग के पार्ट 6 में देखेंगे, जो कि इस वीडियो का सेकंड लास्ट हिस्सा। इस वीडियो में आप लीक प्रूफ वाटर टैंक फिटिंग का पार्ट 6 देखेंगे, जो कि इस वीडियो सीरीज का सेकंड लास्ट पार्ट है। इस वीडियो में आप वाटर टैंक की फिटिंग को तकरीबन कंप्लीट होते हुए देखेंगे। लीजिए, आसिम अंसारी के जरिए पेश की गई वीडियो पेश खिदमत है। दोस्तों, आपने बराबर आया है और अपना इनलेट ये कंप्लीट हो गया है, अपना ओवरफ्लो बचा है, आपके पास इतनी जगह है। अगर आप उसको यहाँ से ऐसा डालते हैं तो यहाँ से अपना जो है वो वेस्ट चले जाएगा। अपने पास यहाँ जगह बहुत है, हम इसको अरे यूनियन मारेंगे इसमें। दोस्तों, किस तरह से मैं यहाँ पे माप ले रहा हूँ ये आप सोच रहे होंगे कि क्या करूँ। देखिए, यहाँ पे माप ले रहा हूँ तो बराबर है, तो 7.5 इंच का अपना टुकड़ा आ रहा है। किनारे वाला हिस्सा है, यहाँ से अगर आप माप लेते हैं एकदम सेम टू सेम आएगा आपका ये हिस्सा, माप कर सकते। बार बार ये लगाने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा यहाँ से पकड़ के भी माप ले सकते हैं। ये 7.5 इंच का टुकड़ा आ रहा है, आप 7.5 इंच का काटेंगे।
हमेशा ध्यान रखने का, कभी कभी सिचुएशन नहीं लगा रहता है तो बाद में लीकेज करता है, अच्छे से देख कर उसको आप चेक करिएगा। तो आपने किस तरह से एकदम परफेक्ट आया है, ये हमने किस तरह से माप लिया है, तो ये हमारी टाकी फिटिंग हो गई है। इसमें खाली एक एयर पाइप आती है, इसको कभी भी टाकी से 2-3 इंच ऊपर लेने का, यहाँ पे 25 इंच का टुकड़ा मारेंगे, 25 इंच। इधर दोस्तों हमारी सारी फिटिंग ये साइड पे आ गई है, ये बोर्ड वाले का पूरा हिस्सा अपने को सेफ्टी मिला है, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपने यहाँ पे अगर हम यहाँ से ये फिटिंग लेते हैं, यहाँ पे अपना एक पेंट, एक पेंट यहाँ पे दो, एक पेंट यहाँ पे तीन, एक पेंट यहाँ पे चार, एक पेंट यहाँ पे बच गया, ठीक है। इसके आगे का प्रोसेस हम पार्ट 7 में देखेंगे, जो कि इस वीडियो सीरीज का आखिरी पार्ट है। आखिरी वीडियो में हम ये प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे कि वाकई में ये एक लीक प्रूफ वाटर टैंक है, और इसीलिए इस वीडियो को हम लीक प्रूफ वाटर टैंक फिटिंग का नाम। इस पार्ट में वाटर टैंक की फिटिंग कंप्लीट होती है, और इसके बाद आप प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि वाकई में ये एक लीक प्रूफ वाटर टैंक फिटिंग का नमूना है। इस वीडियो में आप वाटर टैंक के कनेक्शन और ओवरफ्लो होने के बाद गिरता हुआ पानी देखेंगे। आइए ये नमूना देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपना ये एयर पाइप आ गया है, टाकी से कम 3-4 इंच है। हमारी सारी फिटिंग एक कोने में हो गई है, साइड में हो गई है। फिटिंग करते टाइम कभी भी कंपनी का मार्का सामने रखने का, फिटिंग खूबसूरत दिखती है। ठीक है दोस्तों, आज आपने देखा टाकी किस तरह से फिटिंग होती है, और नए लोग जो भी हैं वो इस तरह से देख के आसानी से टाकी फिट कर सकते हैं। और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कुछ अगर आपको पूछना है तो भी हमसे पूछ सकते हैं, आपको जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज। नल का पानी आ चुका है, और पानी की मोटर के जरिए पानी वाटर टैंक के अंदर जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी की टाकी भर रही है, और उसका वाटर लेवल बढ़ता चला जा रहा है। ऊपर का जो हिस्सा है वो दरअसल इनलेट है, जहाँ से पानी की टाकी के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए जो हिस्सा आउटलेट है, जहाँ से पानी नलों के अंदर आएगा, वहाँ पर आपको एक वाल लगा हुआ नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर ब्लू रंग का एक कैप भी है, जिसको हम घुमा सकते हैं। अभी आइए देखिए यहाँ पर कुछ और पाइप नज़र आ रहे हैं। ये एक एयर का पाइप है, एयर का पाइप इसलिए लगाया जाता है ताकि जो पानी जाना और आना, जो पानी का है, हवा की वजह से अगर किसी वजह से अगर ब्लॉकेज हो जाए तो वो ना हो, इसलिए एयर का पाइप भी इसमें लगाना ज़रूरी होता है। और आप देख सकते हैं कि इनलेट के पास का जो हिस्सा है, ये इनलेट का जो पास का जो हिस्सा है, यहाँ पर ज़रा भी लीकेज नहीं नज़र आ रहा है। और ऊपर का जो हिस्सा है ये ओवरफ्लो का है, जब टाकी भर जाती है तो ओवरफ्लो के पानी के ज़रिए पानी नीचे बाथरूम में जाता है, उससे समझ में आता है टाकी भर चुकी है। आपने ऊपर का जो इनलेट है और नीचे जहाँ पर वाल लगा हुआ है, वो आउटलेट का पार्ट है जहाँ से पानी नलों में आता है, दोनों ही जगह कुछ इतना सिस्टमेटिक फिटिंग हुई है कि वहाँ पर ज़रा भी किसी भी किस्म का लीकेज आपको नज़र नहीं आ रहा है, कोई पानी का कतरा भी नज़र नहीं आ रहा है। और टाकी जो है, अब आप देख सकते हैं कि पानी भर रहा था नल का पानी, अब टाकी जो है तो पानी की जो है तो भरती भर रही है, और वो भर चुकी है। यहाँ पर जो पाइप जो लगाया गया है वो टेक्समो कंपनी के हैं, देखिए यहाँ किसी भी किस्म का लीकेज नहीं है। आप देख सकते हैं ये पाइप जो है तो टेक्समो कंपनी के लगाए गए हैं।
और ये जो टाकी आपको दिख रही है ये पॉलीगोल्ड कंपनी की टाकी है। इसमें जो पाइप्स वगैरह इस्तेमाल किए गए वो टेक्समो कंपनी के हैं। और ऊपर ये देखिए ये पानी पूरा भर चुका है, टाकी पूरी तरह से भर चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर लेवल जो है तो अब ओवरफ्लो की तरफ जा रहा है और ओवरफ्लो के जरिए पानी बाथरूम की तरफ जाएगा। ये ओवरफ्लो का पाइप है जहाँ से जब टाकी भर जाती है तो इसके जरिए पानी बाथरूम के अंदर जो लगा हुआ है नल का कनेक्शन है वहाँ से आएगा। उससे जाहिर हो जाएगा कि टाकी जो तो भर चुकी है, पानी भर चुका है। अब ये फुटिंग, ये पूरी जो शूटिंग है आपको वीडियो शूट करके दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी किसी किस्म लिखे नहीं। अब हम बाथरूम का मंजर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ओवरफ्लो का जो पानी है वो पानी बह रहा है एक नल के जरिए। यहाँ पर आपको कुछ और भी नल नज़र आ रहे हैं जो देखिए पानी जो है तो बह रहा है क्योंकि अब टाकी भर चुकी है। अब ओवरफ्लो के पानी के जरिए पानी बह रहा है और ये आपको बहुत सारे नल भी नज़र आ रहे हैं। और ये वो नजर मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही हैरतअंगेज और दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस के इमीडिएट नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल बटन पर क्लिक कीजिए।